हेलो दोस्तों, सो गाइस वेलकम बैक इन आवर चैनल। तो यार कैसे आप सभी लोग आए, ठीक होंगे। तो यार गाइस मैं हूँ इन्फर्नो आर्कनाइट। सो गाइस फाइनली आज इंतजार की सारी घड़ियाँ खत्म हुई, क्योंकि आज फाइनली हमारे चैनल की सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुकी है। हाँ गाइस, दिस इज़ आर 1K स्पेशल वीडियो। आपने 1K सब्सक्राइबर करवा के मुझे मेरा गिफ्ट दिया, एंड फाइनली आज ये वीडियो ला के मैं आपका गिफ्ट दे रहा हूँ। एंड हाँ गाइस, ये वीडियोस होने वाली बहुत ज़्यादा स्पेशल, तो इस वीडियो के एंड जरूर बन लेना, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल तो थी, लेकिन इस वीडियो को सुपर स्पेशल बनाने के लिए आज मेरे साथ हैं परमानेंट कम्युनिटी के एक बहुत बड़े स्टार, आप सबके मनपसंद। सो गाइस ध्यान से सुनिए उनका नाम। उनका नाम है दी ए स्टोरीज। तो इससे आगे अब एस भाई की ही आवाज़ होगी। सो हे गाइस, तो मैं हूँ दी ए स्टोरीज। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो, और इन भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, काफ़ी अच्छी परमानेंट की स्टोरीज ये बनाते हैं। तो यार ज़्यादा इंट्रोडक्शन में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो अपना दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। अब बिग थैंक टू यू एस भाई कि आप मेरे एक कहने पर मेरे साथ इंटरव्यू वीडियो में ज्वाइन हुए। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आपने इस वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़ने का फैसला किया। मैं आपको जितना थैंक्स कहूँ वो बहुत कम है एस भाई। अब बिग थैंक टू यू एंड अ बिग थैंक टू यू नेशमा मैम कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए इस 1K स्पेशल वीडियो को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। हम आपको जितना भी थैंक्स कहें वो बहुत कम है, पर फिर भी हम आपको अपने काइंड हार्ट से एक थैंक कहते हैं। कई जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूँ कि जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं उनका जो शेड्यूल होता है बहुत पहले से ही प्लान होता है। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो अपने शेड्यूल में कुछ चीज़ ऐड करें, और स्पेशली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि चैनल पर इंटरव्यू दें। फिर भी निशा मैम ने हमारे एक कहने पर हमारे और हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए ये इंटरव्यू दिया, तो मैम आपका बहुत बड़ा वाला थैंक्स है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो मैम हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, उससे पहले आप हमारे व्यूअर्स के लिए मिचियो की सुपर वॉइस में एक सुपर स्पेशल डायलॉग बोल दीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स को सुपर सुपर स्पेशल वाला मज़ा आ जाए। तो प्लीज़ मैम मिचियो की वॉइस में हमारे व्यूअर्स के लिए एक डायलॉग बोल दीजिए। हाय गाइस, मैं हूँ मिचिको, और आज मैं इन्फर्नो आर्कनाइट चैनल पे इंटरव्यू देने आई हूँ। क्या आप रेडी है सुनने के लिए? तो चलिए मेरे साथ, आई होप आपको बहुत मजा आएगा। मैम आपसे हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपने डबिंग करियर को स्टार्ट कहाँ से किया, और आपने एक डबिंग आर्टिस्ट बनने का ही क्यों सोचा? वैसे तो मेरा डबिंग करियर, मेरा फर्स्ट डबिंग मैंने किया जब आई वॉज 4 ईयर्स ओल्ड। मेरे मम्मी पापा उन्होंने एक डबिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो भी डबिंग एंड एक्टिंग करते थे। तो एक छोटे बच्चे को डब करना था इन द मूवी दैवत, विच वॉज अ मराठी मूवी स्टारिंग अशोक सराफ जी एंड रंजना जी। तो एक लड़के को लेके गए साथ में, तो मैं थी ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़का परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आई डब्ड इट। एंड वहीं से सिलसिला शुरू हुआ डबिंग का। तो कई सारे मूवीज़, मराठी मूवीज़ मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डब की, इंक्लूडिंग दादा कौन के जी के मूवीज़। फिर एट द एज ऑफ 16 आई डब्ड रेशम टिपनेस इन अ फुल फ्लेज्ड फिल्म, एज अ हीरोइन थी वो, अपन याना पहलत का ऐसी मराठी फिल्म थी, उसमें मैंने डब किया उन्हें। उसके बाद सीरीज़ और लाइव सीरीज़ मूवीज़ चलता ही रहा। मेरी हॉलीवुड की मूवी थी फर्स्ट, इट वॉज चार्लीज एंजल्स, जिसमें मैंने लूसी लू को डब किया था। एंड माई फर्स्ट एनिमेशन सीरीज वॉज स्कूबी डू, जिसमें मैंने वेलमा को डब किया था, जो कहती है जिंकीज। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे डबिंग आर्टिस्ट ही बनना है, ये तो बस मैं बन गई। इनफैक्ट मुझे जॉब करनी थी, तो मैंने बैंक में भी जॉब की है फॉर 7 ईयर्स, आई वॉज अ न्यूज़ एंकर ऑल्सो फॉर 5 ईयर्स, लेकिन डबिंग तो चल ही रहा था साथ, यू नो, साइड बाई साइड। इट वॉज ऑलवेज अ साइड प्रोफेशन फॉर मी, बट आफ्टर मैरिज आई डिसाइडेड टू डू ओनली दैट विच आई लव, जो मुझे बहुत ही पसंद है मैं सिर्फ वही करूँगी। और मैंने फुल टाइम डबिंग करना शुरू किया, दैट वॉज इन अराउंड 2006 से मैंने फुल टाइम डबिंग करना शुरू किया। उसके पहले भी डबिंग होता था, लेकिन साथ साथ मेरी नौकरी थी, मेरा न्यूज़ चैनल था, तो मतलब वो सब करते करते मैं डबिंग कर रही थी। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट, आई एम टोटली हैप्पी टुडे, टोटली सैटिस्फाइड। आपने मिचको को परमैन के हर एक एपिसोड में अपनी वॉइस दी है, तो आपको मिचको का कैरेक्टर कैसा लगता है?
राइट, मैंने मिचिको को डब किया है कई सारे एपिसोड्स में, बट रीसेंट के जो एपिसोड्स हैं नए वाले उनमें मैं डब नहीं कर पाई हूँ उन्हें, बट पहले काफ़ी सारे किए हैं। और मिचिको डब करना अच्छा लगता है, मेरी चुलबुली स्वीट सी लड़की है तो मज़ा आता है ऐसे कैरेक्टर्स भी करना। मैम आपसे हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आज तक आपने कई सारे कैरेक्टर्स को अपनी ऑफिशियली वॉइस दी है, तो आज तक आपको किन कैरेक्टर्स को अपनी वॉइस देने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? यस, मैंने कई सारे ऑफिशियल कैरेक्टर्स डब किए हैं, जैसे ब्लैक विडो है, या पोकेमॉन में मैं पहले मिस्टी करती थी, अभी मैं कर डब करती हूँ। सबसे ज़्यादा ऐसे तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, बिकॉज सारे कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट हैं, चाहे वो स्कूबी डू की वेलमा हो, चाहे वो पाप ऑफ गर्ल्स की ब्लॉसम हो, चाहे वो किम पॉसिबल हो, चाहे वो टार्ज़न की जेन हो, चाहे वो एड एंड एडी की सारा या नाज हो, कितने सारे कैरेक्टर्स डब किए हैं, चाहे वो मिचिको हो या फिर निंजा हथौड़ी की मॉम, या पेपा पिग में मैं मॉम करती हूँ, या फिर लिटिल सिंघम में इंस्पेक्टर काव्या, सो मैनी कैरेक्टर्स, और हर एक कैरेक्टर का एक अपना डिफरेंट जॉनर होता है, मज़ा अलग होता है, तो आई लव डबिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर, कार्टून हो या एज एन एनिमेशन हो या लाइव सीरीज हो, सबका अलग अलग मजा आता है, एंड आई लव ईच वन ऑफ देम। तो हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि जब आपने पहली बार मिचिको को अपनी वॉइस दी थी तो आपको लगा था कि ये शो इंडिया में इतना फेमस हो जाएगा? सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये शो इतना पॉपुलर हो जाएगा। सी, हमारे लिए ये होता है कि वी जस्ट डब द कैरेक्टर, डब द सीरीज एंड फॉरगेट अबाउट, आई फॉरगेट अबाउट इट, मुझे सीरियसली याद नहीं रहता कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो पर मैन इतना फेमस हो जाएगा मुझे सीरियसली मालूम नहीं था। पर मैन, निंजा हथौड़ी, ड्रैगन बॉल जी जिसमें मैं चीची करती थी, तो वो भी इतना मुझे सीरियसली मालूम नहीं था इतने सारे फैन फॉलोइंग मिलेगी मुझे, या इवन पोकेमॉन जो मैं करती हूँ कितने सारे फैंस हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सबका प्यार देखकर, थैंक यू सो मच। मैम आपसे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से डबिंग के फील्ड में वर्क कर रही हैं, तो मैम आप ये बता सकती हैं कि आपके लिए आपके करियर का सबसे टफ सिचुएशन क्या रहा और आपने सिचुएशन को कैसे फेस किया? करियर का टफ सिचुएशन ऐसे तो नो, आई डोंट थिंक सो ऐसे कुछ हुआ है, बिकॉज मेरे मॉम डैड भी इसी फील्ड में थे, तो यू नो दिस फील्ड, ये डबिंग मेरे लिए एक फैमिली जैसा है, यहाँ के सारे मेंबर्स, मेरे सारे कोलीग्स सब मेरे फैमिली जैसे हैं। विनोद कुलकर्णी जी हु इज़ माई, यू नो ही हैज़ गाइडेड मी अलॉट, उदय सबनिस जी, तो ऐसे कई सारे लेजेंड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, तो मुझे कभी कोई दिक्कत वैसे तो आई नहीं। एंड अगेन आई एम रेडी टू लर्न, सी आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट, आई फील मैं हर रोज़ कुछ नया सीखती हूँ, कभी ये नहीं सोचती कि यस मुझे सब आता है, नो नेवर, और कभी ऐसे करना भी नहीं चाहिए, तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू नो न्यू थिंग्स टू लर्न, तो आई डोंट थिंक ऐसा कभी कुछ हुआ है। यस, मुझे बेस वॉइस निकालने में ज़रा दिक्कत होती है, माई वॉइस इज़ नॉट बेस नेचुरली, तो जब मैं ब्लैक विडो करती हूँ तभी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, बट आई थिंक ओवर द टाइम आई हैव सॉर्ट ऑफ नॉट मास्टर्ड, बट आई हैव ट्राइड टू गिव अ बेस वॉइस, करेक्ट हस्की वॉइस फॉर दैट कैरेक्टर, इतना कि ब्लैक विडो के ट्रेलर में अगर आप मेरी आवाज़ सुनोगे तो नीचे कमेंट्स भी पढ़ना, बहुत लोगों ने कहा है कि नहीं ये नेशमा की वॉइस नहीं लगती, बट मुझे सुनकर अच्छा लगा ये कमेंट्स देखकर कि यस, मतलब मैं वो मेरी नॉर्मल वॉइस से मैं कुछ अलग कर रही हूँ, एंड दी एफर्ट्स आर पेइंग ऑफ। बस बाकी तो आई थिंक इस डबिंग फ्रेटर्निटी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से अपना लिया है, एंड उनमें से ही मैं एक हो गई हूँ, एंड सिंस इट्स माई पैशन तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो हमारा छठा क्वेश्चन ये है कि मैम अगर आपको एक दिन के लिए परमानेंट सेट यूज करने को मिल जाए तो आप उससे क्या करना चाहेंगी? अगर एक दिन के लिए मुझे परमानेंट सेट मिल जाए तो वाओ, क्या वाकई मिल जाएगा? क्योंकि सबसे पहले तो मैं तो चिल्लाऊंगी जोर से वूहू, एंड आई वुड फ्लाई हाई, एंड यू नो व्हाट, जैसे वो नायक फिल्म में अनिल कपूर जी चीफ मिनिस्टर बन गए थे एक दिन के लिए और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, आई विल श्योरली डू दैट।
आई सी टू इट कि जिन जिन को भी प्रॉब्लम है हर किसी तरह की जो मेरे बस में है, जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, मैं हेल्प कर सकती हूँ किसी नीडी पर्सन की, तो मैं ज़रूर करूँगी एंड हेल्प ऑल एंड आई सी टू इट दैट एवरीबडी इज स्माइलिंग, एवरीवन इज हैप्पी। आई प्रे फॉर दैट। मैम आपसे हमारा सेवंथ क्वेश्चन ये है कि आपने आज तक कई सारे कैरेक्टर्स को ऑफिशियली अपनी वॉइस दी है, लेकिन क्या कोई ऐसा कैरेक्टर भी है जिसे आप पर्सनली अपनी वॉइस देना चाहती हूँ? या मैंने कई तरह के कैरेक्टर्स दिए हैं, कभी सुपर हीरो, कभी क्वीन, कभी कोई प्यारी सी लड़की, कभी कोई डिटेक्टिव, कभी कोई विच। यस, एक कैरेक्टर था एज इन इफ़ यू रिमेंबर द फिल्म टाइटैनिक, जिसमें जो मेन लीड थी, जो एक्ट्रेस थी, उसको मुझे डब करना था। आई हैड ऑडिशनड ऑल्सो, बट सिंस वो ज़रा कैरेक्टर मैच्योर्ड दिखाई गई है तो मेरी वॉइस उतनी मैच्योर्ड नहीं लगी, मेरी स्वीट वॉइस लगी उनको। काश वो कैरेक्टर मैं आज कर पाऊँ, बिकॉज आई नो नाउ आई कैन गिव दैट यू नो मैच्योर्ड फीलिंग टू दैट कैरेक्टर, टू दैट वॉइस, वो टोन शायद मैं मैच कर पाऊँ। तो वो एक ये रह गया कि मैंने वो एक मेरा कैरेक्टर आई कुडंट डब इट, बस मुझे वही एक ये है। तो हमारा आठवां क्वेश्चन ये है कि मैम आपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लैक विडो को अपनी वॉइस दी है, तो जब ब्लैक विडो का उस मूवी में एंडिंग सीन आता है तो उस वक्त आपके इमोशंस क्या थे? यूजुअली होता यू है कि हमें जब हम मूवी डब कर रहे हैं तो स्पेशली मार्वल मूवी, तो उस समय हमें थोड़ा सा एक आइडिया दिया जाता है, लेकिन मुझे बताया नहीं था कि ये मरने वाली है। मुझे बहुत लेट बताया कल्पेश ने, हमारे सुपरवाइजर ने, डायरेक्टर ने, डबिंग डायरेक्टर ने। तो व्हेन आई वाज डबिंग दैट सीन, आफ्टर आई फिनिश्ड इट, आफ्टर आई फिनिश्ड डबिंग, इतना मेरा मन भारी हो गया था कि क्या बताऊँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आई वॉज फीलिंग सो सैड एंड सो लो कि यार ये गई, मतलब मर गई, दैट कैरेक्टर हैज़ एंडेड, आई मीन उसने खुद को सैक्रिफाइस किया, वाओ दैट इज़ सो नाइस इज़न्ट इट। कोई करता है क्या आज के दौर में, कोई करेगा अपने फ्रेंड्स के लिए खुद को सैक्रिफाइस? एंड शी डिड इट विदाउट थिंकिंग एट ऑल, मैं हैट्स ऑफ टू दैट कैरेक्टर। और वो इतना ब्यूटिफुली स्कारलेट जॉनसन ने किया है, इतना बेहतरीन अदाकारी उन्होंने की है, तो वो डब करने में बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट हर लास्ट लाइन वॉज मुझे जाने दो, ओ गॉड, मेरे आँखों में तो आंसू आ गए थे उस समय, इट वॉज क्या बोलूँ मैं। बहुत बुरा भी लगा कि मूवी ख़त्म हो गई, उसका काम ख़त्म हो गया, बट एक तरह से ये था कि यस नाउ वो अब ये कैरेक्टर मर के भी लोगों के दिल में जिंदा रहने वाली है, ये एक बात मुझे बहुत पसंद आई। मैम आपसे हमारा नाइन्थ क्वेश्चन ये है कि अगर इन फ्यूचर पर मैं नए एपिसोड के साथ इंडिया में आता है तो आप क्या उस वक्त मिचिको को अपनी वॉइस देना चाहेंगी? हाँ क्यों नहीं, परमैन के अगर नए एपिसोड्स आते हैं एंड इफ दे आस्क मी टू डू इट, श्योर। अगर लॉकडाउन में आते हैं तो मैं शायद घर से बाहर ना निकलूँ, मैं तो मेरे होम सेटअप पे ही रिकॉर्ड करके भेजूंगी, बट आई वुड लव टू डू इट, आई वुड लव टू डब ऑल द कैरेक्टर्स व्हिच आई हैव डन। तो मैम हमारा दसवां क्वेश्चन ये है कि हर किसी को अपनी चॉइस के हिसाब से कैरेक्टर पसंद होते हैं, तो आपको किस टाइप के कैरेक्टर को डब करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? सबसे ज्यादा मजा मुझे आता है जब कोई चैलेंजिंग रोल मुझे मिलता है, जहाँ पर उस कैरेक्टर को बहुत परफॉर्म करना है, लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर लिंडा इन द सीरीज लूसिफर ऑन नेटफ्लिक्स, या ब्लैक विडो है, या फिर द क्राउन अगर आपने देखा है, उसमें क्वीन एलिजाबेथ को मैंने डब किया था, यंगर वर्जन सीज़न 1 और 2 ऑन नेटफ्लिक्स। तो दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स यू नो, तो और हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता उन्हें स्टडी करने के लिए, जैसे उन एक्टर्स को टाइम मिलता है वाइल शूटिंग, उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है उस कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए, उनके मैनरिज्म्स वगैरह सब प्रॉपर यू नो उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो वो एक बड़ा ही चैलेंज होता है व्हेन वी डू सच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, जहाँ परफॉर्मेंस होता है, एंड व्हेन दीज कैरेक्टर्स, व्हेन दीज आर्टिस्ट आर सो नेचुरल कि हमें पता नहीं चलता वो
कब क्या कैसे आगे बोलने वाले हैं। यूँ तो हमें ग्राफ पता होता है कि ये कैरेक्टर अब ऐसे बोलेगी, आगे ऐसे बोलेगी। आफ्टर यू नो 5-6 मिनट के बाद हम समझ सकते हैं उस कैरेक्टर को। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स के नाम जो मैंने लिए अभी, डॉक्टर लिंडा मार्टिन या क्वीन एलिजाबेथ या इवन जो मैंने एक फिल्म की थी ब्रेकअप, उसमें भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये जो नेचुरल एक्टर्स होते हैं ना, उनका डब करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट अदरवाइज ऑल दी एनिमेशन कैरेक्टर्स उसमें उतना ये नहीं, मतलब आई कैन मैनेज। हाँ, कोई विलनिश कैरेक्टर अगर, नेगेटिव कैरेक्टर मुझे दे तो उसमें जरा सी मेहनत लगती है। जैसे मैं वो लिटिल सिंघम में करती हूँ, एक कैरेक्टर तो मेरा रेगुलर कैरेक्टर है इंस्पेक्टर काव्या, एंड अदर कैरेक्टर इज उल्टी। उल्टी पलटी ऐसे दो विचेस होती है, तो उसमें से उल्टी मैं करती हूँ। उल्टी मैं करती हूँ मतलब उल्टी नाम के कैरेक्टर को मैं डब करती हूँ, तो उसको शी दैट्स अ वेरी श्रिल वॉइस, अ वेरी नेगेटिव वॉइस, तो वो करने में जरा सी दिक्कत होती है। दैट्स इट। तो हमारे 11वां क्वेश्चन ये है कि मैम, क्या आप बता सकती हैं कि इन फ्यूचर हमें आपकी वॉइस और कहाँ कहाँ सुनने को मिल सकती है? आप मुझे आगे सुन सकोगे, एक तो लूसिफर 5 आ गया है 5th सीजन हिंदी में, देन वन मोर सीरीज इज कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स विच इज अवे, वो एक मार्स मिशन है जहाँ 5 पीपल आर गोइंग टू मार्स, उनके बारे में है। एंड एक और है जो उसका नाम मैं अभी नहीं बता सकती, डबिंग कम्प्लीट हुआ है बट I cannot reveal the name. It's again a Netflix series, a horror series, and I think the kids will love it. मज़ा आएगा। उसमें दो बच्चे भी हैं और अच्छी सीरीज़ है, वो आप ज़रूर देखना नेटफ्लिक्स पर। उसका नाम मैं बाद में बताऊँगी। एंड एनिमेशन तो मेरा लिटिल सिंघम चल रहा है, सोनिक पे आएगा एक दो मराठी में सीरियल्स होंगे जैसे शिवा है या टिंकर बेल, सॉरी पीटर पैन सीरीज जो है उसमें मैं हिंदी में करती हूँ। पीटर पैन को मैंने हिंदी में डब किया है फॉर टिंकर बेल, सो आई डू टिंकर बेल एंड अ कपल ऑफ मोर कैरेक्टर्स इन दैट। और कोई नई सीरीज नो, आई वुड लव टू, बट फिलहाल तो इतना ही चल रहा है। एंड देर आर लॉट्स ऑफ एड्स, टीवी कमर्शियल्स गोइंग ऑन जो मैं करती रहती हूँ। मैम, आपसे हमारा आज का 12th और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको हमारे चैनल पर इंटरव्यू देकर कैसा लगा, और आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो आगे चलकर डबिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पर इंटरव्यू देकर, एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल यू गाइज। इतनी छोटी उम्र में आप सब अपना अपना चैनल बना रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग ऑल्सो, तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। एंड यस, उन बच्चों को मैं क्या एडवाइस दूँ यार, अगर आपको डबिंग इंडस्ट्री में आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट इतना ध्यान रखना कि सिर्फ अच्छी वॉइस नहीं ज़रूरी, अच्छी तरह से मॉड्यूलेशन भी आना चाहिए, आपका डिक्शन क्लियर होना चाहिए, आपका कमांड होना चाहिए उस लैंग्वेज पर। तो ये सारी बातें हैं जिनका थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन यू कम। आई ऑलवेज बिलीव दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और इस लॉकडाउन में प्लीज़ घर पर रहिए, सेफ रहिए, और मेरे सारे शोज देखते रहिए, एंड कीप लविंग मी, कीप लविंग माई वॉइस। थैंक यू सो मच। सो गाइस, यही था आज का 1K सुपर डुपर स्पेशल वीडियो, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। मजा आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड हाँ गाइस, जो लोग द एज स्टोरीज को नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि वो बहुत बड़े परमानेंट क्रिएटर हैं ऑन यूट्यूब विद ओवर अप्रॉक्सली टू 5K सब्सक्राइबर, तो यार वो मेरे से भी 5 गुना बड़े क्रिएटर हैं। तो आप उनके चैनल को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही स्पेशल वीडियो मैं और एस भाई आगे जाके करते रहेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो इस बार मेरे चैनल पर आए, आगे अगली बार ये वीडियो एस भाई के चैनल पर आएगा, एंड हम ऐसे ही बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट का इंटरव्यू लेंगे, बहुत ही सारे स्पेशल वीडियो हम साथ में करेंगे। तो अभी मेरा टर्न था, क्योंकि मैं अपना 1K स्पेशल वीडियो करना चाहता था, इसलिए भी वीडियो इस बार मेरे चैनल पर आया, लेकिन अगली बार ये वीडियो ऐसा कोई वीडियो भी होगा तो वो एस भाई के चैनल पर आएगा। तो यार उनके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हाँ गाइस, कमेंट करके जरूर जाना कि आपका इस वीडियो में से फेवरेट क्वेश्चन क्या था, एंड आप नेक्स्ट टाइम से कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, अगर मुझे टाइम लगा तो आपसे आपके क्वेश्चन जरूर पूछूंगा।
तो यार गाइस मिलता हूँ अगले स्टूडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय।